उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष अनिल डब्बू ने कहा कि सभी व्यापारियों को एक सूत्र में बंधकर व्यापारी हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। डब्बू देवभूमि उद्योग व्यापारी मंडल हल्दूचौड़ इकाई के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचौड़ा इकाई का शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष खेम सिंह बिष्ट, महामंत्री जीवन पांडे सहित सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सभी सदस्यों और एडवोकेट बसंत जोशी, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी सहित कई ग्राम प्रधान व व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष अनिल डब्बू ने कहा कि सभी व्यापारियों को एक सूत्र में बंध कर व्यापार हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आमंत्रण दिया था, उल्लास का अवसर था, नई इकाई बनी है और लगता है कि हमने तो कहा कि जो इकाई बनती है वो निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में काम करेगी। व्यापारियों की समस्याएं आएंगी तो क्या निर्णय करेगी, और सरकार और शासन से जहाँ सहयोग हुआ हम सब उसको पूरी तरह उनका साथ देंगे। सबसे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जिन लोगों ने सक्रियता के साथ भागीदारी की उनको सम्मानित किया गया, इस क्षेत्र के विकास में जिनका सहयोग रहा उनको सम्मानित किया गया, और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष कुम सिंह कुमार ने कहा कि हल्दूचौड़ा इकाई के निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके शपथ ग्रहण समारोह में सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचौड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष खेम सिंह बिष्ट ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। एक महीने से हम लोगों की चुनाव प्रक्रिया हो रही, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हुई और उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसी के फलस्वरूप आज शपथ ग्रहण समारोह था। एक हमारा नारा है संगठन का, एक संगठन मजबूत संगठन, तो इसी नारे को आगे लेते हुए अपनी व्यापार मंडल से, अपने क्षेत्र से, और व्यापार मंडल द्वारा जो भी बुराइयाँ कुरीतियाँ उनके खिलाफ हम खड़े होंगे और उनको दूर करने का हमने ऐसा एक संकल्प लिया है। इकाई का चुनाव हुआ, मुमती से लेकर तीन पारी का संगठन बना, बहुत अच्छा संगठन बना, सशक्त संगठन बना है, और हमारा व्यापार मंडल का उद्देश्य यही रहता है कि हम व्यापारी के साथ जो उपभोक्ता भी हैं, इसलिए उपभोक्ताओं का अच्छा सेवा देना हमारा कर्तव्य है। नकली माल, नकली मावा, नकली दवाइयाँ, नकली चीज़ें बेचने का हम विरोध करते हैं, और स्वच्छ हमारा देवभूमि पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छा चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। हल्दूचौड़ा इकाई तो बहुत मजबूत इकाई बनी हुई है और सबका आशीर्वाद बने। देखो दुर्गा पाल जी पूर्व मंत्री यहाँ पर आए, मोहन सिंह बीजी आए, मंडी सिविल के चेयरमैन आए, लोकल विधायक हमारे जितने थे सब लोग आए, सबने सराहना की इस बात की, और मैं भी उनको बधाई देने यहाँ पर आया था, उनको शपथ दी है। मुझे उम्मीद है कि वो हल्दूचौड़ समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा काम करेंगे, यही मेरी उनको शुभकामना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।